हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 24hours.com का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th CBSE इंग्लिश चैप्टर 1 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का समरी। ठीक है, तो इस समरी को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ और एक नए तरीके से बताने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप लोग ये स्टोरी जान जाओ इस समरी के माध्यम से और कभी ना भूलो। ठीक है, और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डील करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का। लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा वो मैं बाद में कभी अपलोड करूँगा, फिलहाल के लिए ये समरी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों का क्लास 10th का जितने भी बच्चे हैं वो CBSE वालों के लिए, ठीक है, जो आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका एक क्रैश कोर्स तैयार किया है हमने। ठीक है, उस क्रैश कोर्स में आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्रैश कोर्स आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी क्रैश कोर्स तैयार नहीं किया गया है, मतलब काम चल रहा है। हम लोग इस ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब हर ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्रैश कोर्स बनाते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने बनाया था और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो लोगों ने उस क्रैश कोर्स के माध्यम से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया था अपने CBSE एग्जाम में। ठीक है, तो एटलीस्ट 9 out of 10 तो आ ही जाएगा अगर आप उस क्रैश कोर्स को फॉलो करते हो। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में क्या तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का पैटर्न में आता है, वो सब बताया जाता है उस क्रैश कोर्स में। तो इस साल का क्रैश कोर्स अभी तैयार नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे या तो फिर टॉप कमेंट पे जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म्स का, तो उस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप लोग चाहते हो कि जब भी क्रैश कोर्स तैयार हो जाए तो आप लोगों को जानकारी दिया जाए उस क्रैश कोर्स के बारे में। और आप लोगों को बता दूं, क्रैश कोर्स का दाम सिर्फ और सिर्फ ₹107 है जो आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो अगर डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट के टॉप कमेंट पे जाओ, वहां पे लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को भर दो। जब भी क्रैश कोर्स तैयार हो जाएगा हम लोगों में से कोई ना कोई आपको कॉल कर लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समरी शुरू करते हैं। इस चैप्टर का समरी हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होता है शुरू से मैं आप बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो दो लड़के थे जिसका नाम है निकोला और जैकबो, हम लोग सभी जानते हैं, जो कि बहुत सारे काम किया करते थे, जैसे पेपर बांटना, फिर टूरिस्ट को घुमाना, ऐसा बहुत सारे काम करते थे। हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या काम वो लोग करता था और क्यों करते थे। क्योंकि वो लोग अपने सिस्टर का ट्रीटमेंट, मतलब उन लोग की एक बहन थी जो कोई ना कोई, मतलब एक ट्यूबरक्लोसिस नाम का बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन नाम, मतलब बीमारी से वो सफ़र कर रही थी और उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा था हॉस्पिटल में उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए वो दो लड़के काम कर रहे थे बहुत तरह के, ठीक है, ताकि वो लोग पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुगाड़ कर पाए। अब क्या होता है, जो ऑथर होता है हमारा वो वेरोना सिटी घूमने आता है एज अ टूरिस्ट। ठीक है, वो अमेरिकन ऑथर होता है और वो वेरोना सिटी घूमने आया है। ठीक है, और वो जब घूम रहा था तो वो देखा कि दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के जो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं। तो जो ड्राइवर था उसने मतलब राइटर को बोला, मतलब राइटर कार में आया था बेसिकली और उसका एक ड्राइवर था, तो ड्राइवर ने बोला कि आपको लेना है तो आप ले सकते हो स्ट्रॉबेरीज। तो ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने अच्छा वाला स्ट्रॉबेरीज खरीदा उन दो लड़कों से, और उन दो लड़कों से पहली बार मुलाकात स्ट्रॉबेरीज खरीद के ही हुई ऑथर का। ठीक है, और उसके अब ऑथर का मुलाकात हुआ, अब ऑथर चला गया। ठीक है, वो दिन खत्म। ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब उसके बाद वाला दिन क्या होता है, ऑथर को वापस से वो दो लड़के मिलते हैं। क्या करते हुए मिलते हैं, शूज पॉलिशिंग करते हुए मिलते हैं पब्लिक स्क्वायर में, मतलब एक चौराई में, एक चौक में मान लो, ठीक है, एक चौराई में, मार्केट का चौराई में वो लोग शूज पॉलिश कर रहे थे लोगों का और पैसा ले रहे थे। तो नरेटर, मतलब जो राइटर था हमारा एजी क्रॉनिन, वो भी एक बार के लिए सरप्राइज हो गए क्योंकि उसने देखा था कि ये दो लड़के कल तो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे और आज शूज पॉलिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो चलिए, नैरेटर इतना तो देखा और सरप्राइज हो गया, तो कोई बात नहीं। तो नैरेटर उस दिन के बाद भी उसे कुछ नहीं बोला। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, ताजुब की बात यह है कि ऑन द फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, एक नेक्स्ट डे नहीं सॉरी एक रात होता है, मतलब बहुत तूफानी वाला रात होता है। ठीक है, एक रात ये होता है कि जो राइटर देखता है फिर से वो दो लड़के को कि वो लोग पेपर, न्यूज़पेपर बेच रहे थे। ठीक है, तब नैरेटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, मतलब नैरेटर उन लोगों को पूछने लगा अब कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, ऐसा कितने सारे काम करते हो और ऐसा इतना सारा काम क्यों करते हो। तो उन दो लड़के में से एक लड़के ने बोला, सर आपको मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है इसीलिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो राइटर ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, उन लोगों को जस्ट इतना बताया कि क्या तुम लोग बोल सकते हो कि मतलब मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। तो एक लड़का, एक भाई जो था दोनों भाई में से, ठीक है, उसने एक भाई ने बोला कि नो सर आपको कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। तो दूसरे भाई ने बोला, अगर आप हेल्प करना ही चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे यहाँ से मतलब वेरोना सिटी से 30 किलोमीटर दूर एक सिटी आता है, 30 किलोमीटर दूर एक सिटी नहीं एक विलेज आता है पॉलेटा नाम का, ठीक है, जो कि वेरोना से 30 किलोमीटर दूर था, याद रखिएगा, पॉलेटा नाम का विलेज आता है, पॉलेटा POLETA, पॉलेटा नाम का विलेज आता है, वहाँ पे क्या आप अपनी गाड़ी से मुझे ड्रॉप करवा सकते हो, मतलब हम लोगों को ड्रॉप करवा सकते हो, ऐसा वो दो लड़के ने बोला। ठीक है,
तो नरेटर को तो पता था कि उसका ड्राइवर अभी छुट्टी में गया है, मतलब उसका ड्राइवर अभी है नहीं, ठीक है। लेकिन नरेटर ने ये उन लोगों को बोल दिया कि कोई बात नहीं, मैं खुद तुम लोगों को ड्रॉप करके आऊँगा अपनी गाड़ी से, ठीक है। तो जब फिर जब वो मतलब ऑन द नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब नरेटर ने उन्हें ड्रॉप किया अपनी गाड़ी से पॉलिटा विलेज में, तो उन लोगों ने पोलाइटली नरेटर को बोला कि आप थोड़ी देर नियर बाय कैफे में वेट कीजिए, ठीक है, तब जब तक हम लोग आ नहीं जाते, और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, मतलब हम लोग वापस चले जाएंगे, तब तक हम लोगों के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप नियर बाई कैफे में। तो नरेटर को जाने की बहुत मतलब ऑब्वियसली बात है, नरेटर जानना चाहता था कि आखिर ये दो लड़के करते क्या हैं, किस चीज़ को यहाँ पे करने आए हैं, ठीक है। तो नरेटर बहुत ज़्यादा उत्सुकता था उसको जानने के लिए। तो ऑब्वियसली वो दो लड़के जब चले गए तो नरेटर भी उसका पीछे किया, मतलब राइटर, ठीक है, राइटर ने भी उसका पीछा किया उन दोनों लड़कों का। और उन राइटर को क्या मिला, राइटर को मिला कि वो जो दो लड़के थे वो मतलब एक हॉस्पिटल की ओर आगे बढ़ रहे थे, और हॉस्पिटल में घुस भी गए, और एक रूम में घुस के एक लड़की के साथ बातें कर रहे थे, ठीक है। जो वो लड़की भी सिमिलर फीचर्स की थी, मतलब उन दोनों लड़के के जैसा ही वो लड़की थी, ठीक है। मतलब नरेटर पीछे से देख रहा था, ये छुप छुप के देख रहा था। तो जब वो लोग उस लड़की से बात कर रहे थे, तब नरेटर ने एक नर्स को बुलाया और उस नर्स से पूछा कि आखिर इन लोगों का माजरा क्या है, ये लोग एक दूसरे के कौन लगते हैं, मतलब किस तरह का रिलेशन लगता है, क्यों यहाँ पे ये दो लड़के आए हैं। उसके बाद नर्स उस नरेटर को, उस राइटर को सारा कुछ बताता है साफ साफ, ठीक है, और उन्हें बताता है कि ये बहुत ही दुखद भरी कहानी है उन दोनों लड़कों के लिए, क्योंकि मतलब वो लोग अपने माता पिता को, माता का देखो यार, यहाँ पे एक स्टोरी में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मदर, उन तीनों के मदर के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता उन तीनों के मदर का क्या हुआ था, कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है कि उनके फादर के बारे में, ठीक है। तो वो नर्स बताती है नरेटर को कि उसका जो फादर था वो एक वार हुआ था हमारे यहाँ, और उस वार में उसके फादर की डेथ हो गई थी, और उन लोगों का घर जो है वो भी डिस्ट्रॉयड हो गया था, एंड द गर्ल वॉज देयर सिस्टर, और जो लड़की है वो उन लोग की सिस्टर है, ठीक है। और उस लड़की को एक प्रॉब्लम ये है कि वो सफ़र कर रही है ट्यूबर क्लॉसिस एक बीमारी होता है, आप लोग अगर नेट में सर्च करोगे तो पता चलेगा। तो ट्यूबर क्लॉसिस से सफ़र कर रही है, और क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने के लिए वो दो लड़के बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए, पैसा देने के लिए, ठीक है। तो नरेटर को तभी समझ में आया कि जितना भी वो लोग काम करता था पैसा जुगाड़ करने के लिए, वो सब अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए वो लोग काम करता था। तो अभी नरेटर को सब कुछ समझ में आया, ठीक है। और तो और नर्स इतना भी बोलती है कि मतलब नर्स जो थी वहाँ पे, वो और एक बात बोलती है नरेटर को कि जो दो लड़के हैं वो लोग बहुत ही अच्छे दिल के हैं, वो लोग अपनी सिस्टर को कभी नहीं बताएं कि जो वार हुआ था वो उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया। मतलब मान लीजिए आपके घर टूट जाता है वार में, या फिर कुछ हो जाता है, तो आप अंदर से टूट जाओगे ना। तो वही सिस्टर, मतलब वो जो नर्स हैं वो बता रही थी कि वो जो दो लड़के हैं वो अपने सिस्टर को कभी ऐसा जताया नहीं कि वो लोग टूट चुके हैं, वो लोग अभी भी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं और हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। लास्ट में जो नर्स थी वो और एक बात बताती है कि जो दो लड़के हैं वो लोग काफ़ी काफ़ी नॉबल और हार्ड वर्किंग लड़के हैं, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने वर्क के प्रति, मतलब अपने काम के प्रति, और अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने जो फैमिली हो गए या दोस्त हो गए, किसी के भी रिलेशनशिप के प्रति वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो लोग हर एक पॉसिबल थिंग्स कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही था दोस्तों इस कहानी का स्टोरी, मैंने आप लोगों को डिटेल्स में ले गया, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बताता तो बहुत शॉर्ट में बन जाता, 5-6 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अगर यहाँ से पढ़ लो तो आप लोगों को ऑल द वे ये कहानी पूरा पता चले, और आप लोग एग्जाम में एटलीस्ट अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप लोगों को फटाक से रिप्लाई दूंगा आखिर, मतलब अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मतलब कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर ऐसे ही कुछ वीडियोज़ आप लोगों को देखने हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 जितने भी चैप्टर हैं धीरे धीरे हम लोग इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो study24hours.com एक वेबसाइट है, उसको भी विजिट कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों के स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए, जैसे सैम्पल पेपर, केस पेपर हो गया, ये सब, और NCERT सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, ये सब पाने के लिए विजिट कर सकते हो। और तो और क्रैश कोर्स वाला बात मत भूलना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके उस फॉर्म को भर देना, अपना डिटेल्स डाल देना, जब भी क्रैश कोर्स तैयार हो जाएगा आप लोगों को फोन करके या मैसेज करके बता दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर, और अच्छा से पढ़िए। चलिए मिलते हैं वापस बाद में।